नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। इस महामारी काल में गरीबों के लिए सरकार ही नहीं आम आदमी भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, मगर आपदा की इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग पीएम राहत फंड के नाम पर गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करने में लगे हैं। ऐसा ही मामला जनपद बुलंदशहर से आया है, जहाँ नगर पालिका दफ्तर में नगर पालिका का कर्मचारी बनकर एक युवक गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करता पकड़ा गया। दरअसल जनपद बुलंदशहर में एक युवक सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए योजनाओं के फॉर्म भरवाने के नाम पर गरीब लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। जैसे ही इस मामले की जानकारी नगर पालिका ईओ निहाल चंद को लगी, वह अपने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और इस युवक को गरीबों से अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कर्मचारी पहले नगर पालिका का ठेकेदारी के माध्यम से लगाया गया था, काम न करने की वजह से इसको 2 साल पहले निकाल लिया गया था, लेकिन ये लगातार हम लोग शिकायत कर रहा था दोबारा वापसी के लिए, लेकिन इसके गलत कामों की वजह से हम लोगों ने लिया नहीं जो है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यह यहाँ जो लोग अपने गवर्नमेंट से लाभ मिलने वाली योजनाओं के फॉर्म भर रहे हैं उनसे यह वसूली कर रहा था, जैसे मुझे पता चला मैं इसको पकड़वा करके अंदर लाया जो है, और यहाँ से इसको पुलिस के सुपुर्दगी में दे दिया। सर, ये किस चीज़ के लिए करके वसूली कर रहा था, कौन सी योजना था इसके? ये सरकार के द्वारा जो मिलने वाले 1000 रुपये मिलने थे मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए, उन गरीब लोगों से पैसे वसूल रहा था फार्म भरवाने के नाम पर। युवक से पूछताछ के बाद नगर पालिका ईओ ने पुलिस को मौके पर बुलाया और युवक को पुलिस को सौंप दिया। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।